तो गाइस आज की एक माइनक्राफ्ट की हॉरर वीडियो के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये माइनक्राफ्ट की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हॉरर होने वाली है। मेरे को तो ये लगता नहीं है आप लोगों ने इससे ज़्यादा हॉरर वीडियो आज तक कहीं भी देखी होगी। तो गाइस हम लोग फटाफट से एक ब्रेड बनाते हैं, और हमको ये आज ब्रेड एक एलेक्स हमारी दोस्त आई हुई है इस माइनक्राफ्ट के अंदर, उसको देकर आना है। उसने हमसे ब्रेड मांगा है, तो उसको बहुत सारी भूख लगी है, फिर उसको कुछ काम होगा तो उसने हमसे एक ब्रेड मंगाया, तो फटाफट से हम उसको ब्रेड देने चलते हैं। तो हमने ब्रेड बना लिया, चलो उसके घर सामने ही था तो हमने गेट खोलते हैं। चलो हेलो एलेक्स, मैं तेरे लिए एक ब्रेड लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि तूने मेरे से मंगाया था। तो गाइस इसने मेरे से ब्रेड मंगाया, मैंने उसको दे दिया है। अभी इस ब्रेड को खा लेगी, पता नहीं क्या करेगी, शायद खाने वाली हो गया, खा लिया। ओके अबे खाने के बाद तो भूत कैसे बन गई गाइस, खाने के बाद ये भूत बन गई भाई। ओ भाई साहब मेरे को मारने क्यों आ रही है, मतलब मैंने खाना दिया मेरे को मारने आ रही है। गाइस ये कौन थी यार, प्लीज़ कमेंट करो उसका नाम, कि मतलब ये कैसे हो सकता है, गायब हो गई। अबे कहाँ गई गाइस, गाइस पता नहीं कहाँ पर गायब हो गई एलेक्स ही गायब हो गई पूरी की पूरी। तो थोड़ी देर बाद तो गाइस हम लोग बहुत देर के बाद यहाँ से निकले हैं, तो शायद वो एलेक्स यहाँ से गायब हो गई होगी, पता नहीं वो गाइस कहाँ चली गई। शायद मेरे को लग रहा है कि वो एलेक्स कभी यहाँ पर वापस नहीं आने वाली। अब तो बहुत ही मेरे को अच्छा लग रहा है उससे मतलब बचने के बाद, अगर वो मेरे को पकड़ लेती तो जान से मार देती गाइस। मेरे को अभी भी बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कब कहाँ टपक पड़े वो। तो पहले इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हो। अभी ये नहीं भाई, भागो 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 भाई, एकदम से आ गई, एकदम डरा दिया। तो स्वागत है आपका एक और नई माइनक्राफ्ट की हॉरर क्लिप के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग को थोड़े से गिलास बनाने हैं, उससे हमको एक बॉटल बनानी पड़ेगी पानी भरने के लिए, और हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो गाइस ये वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा हॉरर होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। तो मैंने फटाफट से ये ले लिया है एंड मैंने इसमें ये भर लिया। ओके अपनी बॉटल को अपने पास रखता हूँ। एंड हमको गाइस एक विलेज के अंदर जाना है, उसके अंदर जाने के बाद हमको ये सारी बॉटल जो है ना उस विलेजर के घरों में डालनी है, और उसके बाद कुछ बहुत ही ज़्यादा हॉरर होने वाला है। वो मेरे को पता नहीं क्या होने वाला है। तो उससे पहले हम लोग को एक विलेज ढूंढना पड़ेगा, और विलेज पता नहीं हमको कहाँ मिलेगा। तो विलेज हमको मिल चुका है, सामने हमको एक विलेज मिल चुका है। तो फटाफट से चलते हैं विलेज के अंदर, देखते हैं कोई है तो नहीं, कोई मॉन्स्टर वगैरह, हमेशा इसके अंदर मॉन्स्टर होता है। तो अभी तो कोई मॉन्स्टर नहीं, तो मैंने इसके अंदर एक बोतल डाल दी इसके अंदर, अब दूसरे के अंदर एक बोतल डालता हूँ, इसके अंदर भी डाल दी मैंने एक बोतल। अब देखते हैं कोई और घर मिले उसके अंदर भी डाल देंगे ये बोतल हम लोग। और उसके बाद जो होने वाला है ना, वो आप लोग शॉक्ड रह जाओगे देखने के बाद। वैसे मेरे को भी नहीं पता क्या होने वाला है, तो मैंने इसके अंदर भी डाल दिया। तो और एक दो घर के अंदर और डाल देता हूँ, ताकि सभी के सभी मतलब कुछ ना कुछ भयानक हो जाए। तो और कुछ बचा क्या, और किसी घर में डालने को बाकी है? तो एक दो घर में इस ये घर पड़ा है, इसमें डाल देता हूँ फटाफट से। ओके काफ़ी ऊंचा घर है, तो इसमें दो विलेजर हैं, इनकी दोनों के पास डाल देता हूँ दो दो, ठीक है। मैंने दो विलेजर के पास दो डाल दिए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो और डालेंगे या फिर नहीं डालें, चलो गाइस अब रहने दे रहे हैं, थोड़ा वेट करेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हम लोग रात बहुत हो चुकी है, और हम लोग दोबारा से उसी विलेज के अंदर जा रहे हैं देखने के लिए कि मतलब हम लोगों ने जो वही एक्सपेरिमेंट किया था ना, मतलब जो बोतल डाली थी उससे कुछ विलेजर के हुआ है या फिर नहीं, मतलब उस विलेज के अंदर कुछ भी मतलब कुछ दुर्घटना वर्घटना हुई है या फिर नहीं, कोई प्रॉब्लम हुई है नहीं, तो देखने फटाफट चलते हैं। लेकिन भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है, कुछ ना कुछ तो भयंकर हुआ होगा। ओबे भाई मैंने तो सिर्फ यहाँ पे बोतल डाला और विलेजर मर भी गया भाई, विलेजर भी मर गए गाइस, विलेजर मर गया भाई, विलेजर की जान चली गई। मैंने इसको यहाँ पे सिर्फ पोशन डाला, अभी ये कैसे सर के कटे पड़े हैं यहाँ पर, मैंने ऐसा क्या कर दिया यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया गाइस, मैंने तो सिर्फ अभी ये सारे विलेजर मर गए गाइस, कैसा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। सारे विलेजर की डेथ हो चुकी है मेरे एक पोशन की वजह से, लेकिन एक पोशन ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा माइनक्राफ्ट पॉसिबल ही नहीं है गाइस। गाइस आप लोग कमेंट करो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इनका लास्ट के दो घर बचे हैं, इनमें चेक करते हैं क्या होता है, फिर इनमें शायद विलेजर होंगे पक्का जिंदा। अबे ये उस टीप को भी मार दी जान से, लेकिन ये किसने किया होगा यार। अबे भाई इस विलेजर ने किया सब कुछ, वही तो मैं सोचूं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ इसने किया है, अभी मेरे को भी मारने आ रहा है गाइस, मैं चाह रहा हूँ बाय 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 बाय।